गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ वगैरह आ रही है क्या? मेरी लैपटॉप पे नेटवर्क मतलब क्लास की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है। मोबाइल पे कनेक्ट किया है और मेरे यहाँ पे तो जितने भी सिंबल आ रहे हैं वो थोड़े चाइनीज टाइप के आ रहे हैं, तो आपको मेरी वॉइस वगैरह आ रही है तो। ओके ठीक है, फिर आवाज आ रही है तो अपन यहाँ ही ले लेते हैं क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। बोर्ड दिखाई दे रहा है? कैन यू सी द बोर्ड? चलो लेट्स स्टार्ट। फिर लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा दिया था एक बार मुझे थोड़ा याद रिकॉल करवाना। एक तो इसमें मैसेज और नहीं दिखाई देंगे आपको। लास्ट क्लास में मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था? ओके क्लाइम माउंट। हाँ तो अपन पढ़ रहे थे प्रोटिस्टा फाइलम पढ़ रहे थे, ठीक है। प्रोटिस्टा फाइलम की अपन ने यूग्लेनोइड ग्रुप तक पढ़ लिया था। आज जो मेरा जो नेक्स्ट जो ग्रुप है दैट इज क्लाइम माउंट, ठीक है ना। स्पोरोफाइटिक ग्रुप है, ठीक है। कैसा है? स्पैरोफाइटिक। तो चलो जिस हिसाब से मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था उन्हें देखिए, आपकी बुक में या फिर जैसे अपने जो भी बुक अपन पढ़ रहे हैं उसमें क्या दे रखी है, सारी चीजें बंच में दे रखी है, ठीक है। अलग अलग ना दे करके एक जगह इकट्ठी दे रखी है, एक्यूमुलेटिव फॉर्म में दे रखी है। अपने को इनको थोड़ा इजी वे में पढ़ना है, इनको थोड़ा अपने सहूलियत के लिए इनको इजी वे में बना लेना है। तो आप इसीलिए ना मैं हमेशा ना वैसे पढ़ना जैसे फूड हैबिट। यूग्लेनॉइड्स, हाँ क्यों नहीं। यूग्लेनॉइड्स क्या था? देखो यूग्लेनॉइड की जो हैबिटेट थी ना, मैंने बताया था तुम्हें, दोनों तरह की हैं, फोटोट्रोपिक भी होते हैं और हेटरोट्रोपिक भी होते हैं। फोटोट्रोपिक तो तब होंगे जब इसमें पिगमेंट्स हो और फेवरेबल कंडीशन में हो, फेवरेबल कंडीशन में हो, ठीक है। जब तक सनलाइट वगैरह मिलती रहेगी तो ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या कर लेते हैं, अपना खाना बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे खाना वाना कम हो जाता है इनका, तो क्या हो जाता है, इतने अच्छे से ये क्या नहीं कर पाते, अपनी लाइफ प्रोसेस ऑपरेट नहीं कर पाते, इतने अच्छे से लाइफ प्रोसेस ऑपरेट नहीं कर पाते। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, वहां पे फिर खाना नहीं मिलेगा इन्हें, वहां पे क्या नहीं होगा, खाना नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो उस जगह फिर क्या करेंगे, ये हाइड्रोस्कोपिक की तरह क्या करने लगेंगे, खाना चालू कर देंगे। डिकाइंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनके ऊपर अपना फूड ले लेते हैं, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन इनका असेक्सुअल है, मैराइन होते हैं, ठीक है। और मूवमेंट के लिए इनपे क्या पाए जाते हैं, यूग्लिना पे फ्लैजिला पाए जाते हैं, दो फ्लैजेला पाए जाते हैं, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल मैंने तो बताया था युगलीना, ठीक है। तो ये युगलीना फाइलम हो गया, अपना ग्रुप हो गया। अब जो है वो है अपना क्लाइमाउल्ड है, ठीक है, डिकेइंग है। और डिकेइंग का मतलब ये है ये स्पैरोफाइटिक हैबिटेट के हैं, ठीक है। इनका जो फूड हैबिटेट है, अगर अपन इनकी बात करें कि फूड कैसे लेंगे, तो ये कैसे होंगे, हेट्रोस्कोपिक होंगे। कैसे होंगे? हेट्रोस्कोपिक।
या हेटरोट्रॉपिक, अपन ने कह सकते हैं हेटरोट्रॉपिक होंगे। हेटरोट्रॉपिक में भी क्या होते हैं, स्पेरोफाइटिक होते हैं, स्पेरोफाइटिक होते हैं। बोर्ड नहीं आ रहा है क्या? बोर्ड तो आज परेशान ही करेगा, एक सेकंड बेटा ले। अब देखो, अब आ रहा है, राइट में करूं और इससे ज्यादा राइट में कैसे जाएगा? ये लो बेटा, नाउ बेटर है। ओके, देखो स्पैरोफाइटिक होते हैं, स्पैरोफाइटिक का मतलब है ऐसी ऑर्गेनिजम्स जो डिकेइंग होती ऑर्गेनिजम्स पे मिलती हो, डिकेइंग डिकम्पोज होती हुई डेड ऑर्गेनिजम्स पे अपना खाना लेती है स्पैरोफाइटिक। दो तरह की होती है, तो ये हाइड्रोस्कोपिक में क्या हो सकते हैं, दो तरह के रिलेशनशिप बन जाते हैं, एक तो पैरासिटिक और एक स्पैरोफाइटिक। पैरासिटिक में अपन क्या करते हैं, ऐसी ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं जो अपने को बीमार बना सकती है। तो वो अगले वाले अपने जो प्रोटोजोन्स है ना, तो उनकी हैबिटेट क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अपना खाना लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। लेकिन ये वाली जो ऑर्गेनिज्म है, स्माइल जो स्लाइम माउथ है, ये क्या करती है, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनसे अपना फूड लेते हैं। तो इसका इन्हें ये फायदा मिलता है कि ये अपना न्यूट्रिशन पूरा कर लेते हैं, साथ के साथ अगर अपन इनकी बात करें रहने की जगह, जो इनकी हैबिटेट है, ठीक है, हैबिटेट इनको कैसा मिलेगा, एक्वाटिक हो सकता है, एक्वाटिक हो सकता है, या मॉइस्ट प्लेस होते हैं ना वहां पे भी रहते हैं। ठीक है, लोकोमोशन की बात करें, एक्वाटिक में फ्रेश वाटर और दोनों होंगे ना, फ्रेश और मराइन। लोकोमोशन की बात करें तो देखो, स्पेसिफिक लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होंगे, कोई नहीं पाया जाता। लेकिन ये क्या करते हैं, जैसे पानी है, पानी पे कोई लकड़ी पड़ी है, ठीक है, इसके ऊपर आ गई, स्लाइम माउल्ड इसके ऊपर फैल गई, तो जैसे जैसे ये ट्विंग है, ठीक है, जैसे ये क्या है, यहाँ पे इसके ऊपर आ गई, ठीक है, और ये क्या है, ट्विंग है, कोई लकड़ी की टुकड़ी है, ठीक है, तो जैसे जैसे ये फ्लोट करेंगे पानी के साथ, क्या करेगी, फ्लोट करेगी, तो ये भी क्या करते रहेंगे, फ्लोट करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। न्यूक्लियर कंडीशन में भी पाए जा सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं और मल्टीपल फॉर्म्स में भी हो सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म्स में भी हो सकते हैं। मल्टीपल फॉर्म्स में अगर मिल रहे हैं ये, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं, जो पूरे गहरे फैल जाते हैं, काफी फिट तक, मतलब काफी नीचे तक चले जाते हैं, काफी ऊपर तक फैल सकते हैं। इनके क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन आती है ना, तो रिप्रोडक्शन करना चालू कर देते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन, जब इन्हें खाना पानी नहीं मिलता, तो ये स्पोर बना लेते हैं, खुद को क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वो स्पोर क्या होते हैं, बहुत दूर तक फैल जाते हैं, वो स्पोर क्या होते हैं, बहुत दूर तक फैल जाते हैं, जो क्या कर सकते हैं, पानी से जा सकते हैं और हवा से भी जा सकते हैं, काफी दूर तक क्या होंगी, हवा से भी जा सकते हैं। तो ये जो सिलिका होता है, ये डाइप्लोजेनेट बनाते हैं क्या? नहीं, सिलिका क्या होती है, एक्चुअली एक केमिकल है, ठीक है, नेचुरली भी मिलता है, लेकिन डाइफ्लेजेनोलेट की तो वॉल के ऊपर बनता है, ठीक है, डाइफ्लेजेनोलेट की वॉल पे ये चीज बन सकती है, और डाइफ्लेजेनोलेट की तो अपन ने, मैंने बताया थी ना तुम्हें, तो सेल्यूलोज की होती है, किसकी होती है, सेल्यूलोज की होती है, वो क्राइटोफाइट पढ़ते अपन ने, जहां सिलिका बन सकता है। डाइफ्लेजिनेट नहीं, अपन ने पढ़ा था, कौन सा, क्राइसोफाइट्स पढ़े थे ना, हाँ, यूजफुल है, बिल्कुल यूजफुल है, सिलिका यूजफुल चीज है बेटा अपने लिए, सिलिका यूजफुल होता है। डाइफ्लेजिनेट पे नहीं बनता है, क्राइसोफाइट्स पे बनता है। डाइफ्लेजिनेट की तो जो वॉल थी ना, वो सेल्यूलोज की होती है, किसकी होती है, सेल्यूलोज की। आगे समझ में सुमित?
अच्छा सुमित, क्राइसोफाइट्स और डाइफ्लेजुलेट्स में से पॉइजनस कौन सा था? दोनों में से पॉइजनस कौन सा है? डाइफ्लेजुलेट और उसमें से ठीक है, चलो गुड। चलो तो आगे बात करते हैं फिर प्लाईमाउथ की। तो अगर इनकी बात करें, फिर इनकी अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, तो मैंने बताया आप फेवरेबल कंडीशन में क्या कर लेते हैं, ये क्या करते हैं अपने लिए स्पोर्ट्स बना लेते हैं। स्पोर्ट्स क्या होते हैं, फिर दूर दूर तक फैल सकते हैं। और पता है इनकी स्पोर्ट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत अच्छी खासियत ये है, ये काफी सालों तक, जब तक कि इन्हें फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल जाते, मॉइस्ट क्लाइमेट नहीं मिल जाता, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिल जाते, मतलब खाना पीना पूरा अच्छे से नहीं मिल जाता ना, तब तक ये जिंदा रह सकते हैं काफी सालों तक। क्यों? क्योंकि चारों तरफ स्पोर के चारों तरफ क्या करते हैं, एक अच्छा सा कवर बना लेते हैं। स्पोर्ट्स के चारों तरफ एक क्या बना लेते हैं, वॉल बना लेते हैं, एक कवर बना लेते हैं, जो इनको लंबे समय तक क्या करता है, सर्वाइवेबिलिटी देता है, लाइफ को क्या कर सकता है, इनकी सर्वाइवल पे रख सकता है काफी लंबे टाइम तक। ठीक है, तो ये स्लाइम माउल्ड हो गया, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? मतलब ऐसे कह सकते हैं जैसे ये स्पोर के चारों तरफ क्या है, इन्होंने एक वॉल बना ली, तो ये रेजिस्टेड है। क्या है? रेजिस्टेड है। किस चीज से? जैसे बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा सर्दी, बरसात, इन चीजों से क्या होती है, रेजिस्टेड होती है, प्रोटेक्टेड रहती है ये चीज। तो इससे इसकी लाइफ क्या रहती है, काफी टाइम तक सर्वाइवल कर रहती है। बताओ समझ में आया? लोकोमोशन, देखो लोकोमोशन के लिए इनमें क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन, ऑर्गन से मतलब यहाँ पे क्या है, मेरा ऑर्गन जरूरी नहीं है ऑर्गन। तो देखो कुछ के अंदर अपन ने पढ़ा था फ्लैजेला पाई जाती है, अभी आगे अपन कुछ में पढ़ेंगे, कुछ में सीलिया पाए जाते हैं, कुछ में सुडोपोड पाए जाते हैं, ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। ये लोकोमोटरी ऑर्गन से जो क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने में काम करते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा सकते हैं। बट इन स्लाइम माउंड्स, मोस्ट ऑफ स्लाइम माउंड्स लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। इफ दे नीड टू मूव, वो क्या कर सकती है, जैसे कोई लकड़ी है, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, मैंने बताया ना स्पोरोफाइटिक होते हैं, खाना कहां से लेते हैं, स्पोरोफाइटिक है तो डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। कोई ऑर्गेनिज्म जो पहले जिंदा थी और अब मर चुकी है, तो उसमें क्या होती है, ऑर्गेनिक मैटर बच जाते हैं, चाहे ह्यूमन बॉडी हो चाहे प्लांट बॉडी हो, तो ये उसके ऊपर सर्वाइव करते हैं, जो उसके ऊपर सर्वाइव करते हैं। तो जैसे ये लकड़ी क्या करेगी, पानी के ऊपर क्या करेगी, फ्लोट करेगी, तैरती रहेगी, तो ये भी क्या कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। मतलब खुद के पैर नहीं हुए तो क्या हुआ, दूसरे के पैरों से तो चल सकते हैं ना, दैट इज द रीजन। आगे समझ में? चलो विशाल तुम्हें आगे बेटा आगे बढ़ाओ, वो बच्ची नहीं है क्या, नाम था नियति। आगे वाला है ना थोड़ा ध्यान से पढ़ना, अब जो पढ़ाने जा रहा हूं ना वो बहुत फोकस होकर पढ़ना। प्रोटिस्टा का सबसे इंपॉर्टेंट तो यही वाला है, प्रोटिस्टा का सबसे इंपॉर्टेंट तो यही वाला है, ठीक है ना। प्रोटिस्टा में क्या नहीं आया सुमित समझ में? दोबारा पूछ ले बेटा, दोबारा बता देंगे, एक बार बता क्या पूछ।
पूछ ले पूछ ले, क्या दिक्कत है इसमें? जो नहीं समझ में आया दोबारा बता देंगे। लोकोमोशन समझ में नहीं आएंगे दोबारा बताओ क्या? कैसे क्लियर है? एकदम क्लियर है कि क्लियर है? समझने वाला क्लियर है कि एकदम क्लियर है कि कुछ नहीं है? सुमित लोकोमोशन दोबारा बताओ बेटा। आ गया? ठीक है चलो, वेरी गुड, आ गया। तो चलो फिर आगे चलते हैं। आगे अपना देखो, मैंने क्या क्या पढ़ा दिया तुम्हें। क्राइसोफाइट्स पढ़ा दिया, डायनोफ्लेजेलेट्स पढ़ा दिया, यूग्लेनॉइड्स पढ़ा दिया, और अभी अभी तुम्हें स्लाइम माउल्स पढ़ा दिया। लास्ट पढ़ा रहा हूँ, पांचवा ग्रुप है जो इसका, पांचवा ग्रुप है जिसका, जिसको अपन बोलते हैं प्रोटोजोअन्स। क्या बोलते हैं? प्रोटोजोअन्स। दिस इज द फिफ्थ ग्रुप, प्रोटोजोअन। बड़ी काम की चीज है प्रोटोजोअन्स, है ना? वो बड़े काम की चीज है, यूजफुल है बहुत ज्यादा जगह, बहुत ज्यादा जगह यूजफुल है, खासकर तो बीमार बनाने में। भाई भाई अपन ने पैथोजेंस नाम पढ़े थे ना, तो मैक्सिमम वाले तो यही मिलेंगे अपने को, ठीक है ना? चलो बात करते हैं इसकी, प्रोटोजोन्स के फूड हैबिटेट की बात करते हैं पहले। सबसे पहले कैसे करते हैं? फूड की बात करते हैं। सारे के सारे हेट्रोस्कोपिक है। हाँ, मलेरिया ट्रिपेनोसोमा वाला हेटेरो हेट्रोट्रोपिक है। सारे के सारे कैसे हैं? हेट्रोट्रोपिक है। खाना किससे लेंगे? दूसरों से लेंगे। खुद का खाना खुद कुछ कभी नहीं बनाते, ठीक है? अब वो भी कैसे? या तो प्रीडेटर्स पे, प्रीडेटर्स बोलते हैं जैसे दूसरे को पकड़ के पूरा का पूरा खा जाए। अमीबा क्या करता है? अमीबा या पैरामीशियम वगैरह ये क्या करते हैं? दूसरे ऑर्गेनिजम्स को देख लेते हैं, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पास में है तो उसको पूरा का पूरा इंगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं अंदर, ठीक है? तो प्रीडेटर मतलब शिकार करके खा लेते हैं, या फिर क्या रहते हैं ये पैरासाइटिक रहते हैं। तो हैबिटेट दो तरीके की हो गई, ठीक है? एक तो प्रीडिएटर टाइप्स की, प्रीडिएटर टाइप की मतलब खुद का खाना क्या करते हैं? दूसरों से छीन लेते हैं। दूसरों को अपना खाना किससे क्या करते हैं? दूसरों से छीन लेते हैं। या दूसरा हो गया पैरासाइटिक, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक समझते हो ना, जिसमें क्या कर सकता है आदमी? दूसरों का शिकार कर सकता है। तो दूसरा क्या कर लेते हैं? ये पैरासाइट के रूप में रहते हैं, मतलब अपने अंदर आ जाए तो पैरासाइट की तरह बिहेव करेगा, अपने न्यूट्रिशन ले ले, ठीक है? कसकुटा होती है ना, अमरबेल होती है, वो बिल्कुल वैसे टिक्स लग जाती हैं। तो वो क्या करता है? मेहनत कोई और करेगा, खाना कोई किसी और के लिए बना के लेके आ रहा है, और खा कोई और जाए, तो ऐसी कंडीशन पैरासाइटिक होती है, खून चूसने वाले बिल्कुल वैसे, ठीक है ना? अब बात करते हैं, ये तो फूड हो गए, अब बात करते हैं हैबिटेट की। तो देखो, अगर कोई एनिमल पैरासाइटिक और ऐसा है ना प्रीडेटर टाइप का, तो उसकी डाइवर्सिफाइड क्या मिलेगी आपको? लिविंग बींग मिलेगा, रहने की जगह होगी, वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, बहुत अलग अलग पोजिशन पे वो क्या कर सकता है? रह सकता है। जैसे कभी तो वो तुम्हें कहाँ मिल जाएगा? खुले मैदानों में मिल सकता है, कभी किसी लिविंग बॉडी के अंदर मिल सकता है, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में भी मिल सकता है। तो अलग अलग इसकी क्या हो सकती है? फूड हैबिट हो सकती है। इसकी क्या हो सकती है? फूड हैबिट क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है, और साथ ही साथ जो रहने की जगह है, जो हैबिटेट्स है, वो भी क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। लिविंग बींग में भी रह सकता है, और डेड ऑर्गेनिजम्स में भी रह सकता है, एक्वाटिक सोर्सेस में रह सकता है, मॉइस्ट प्लेस पे से रह सकता है। तो हैबिटेट है वो डाइवर्सिटीफाइड है, डाइवर्सिटीफाइड। स्लाइम का मतलब है वेरिएशंस के साथ रहना, वेरिएशंस के साथ रहना। अब बात करते हैं इसकी क्लासेस की। देखो, जो प्रोटोजोन्स है ना, उन्हें है ना पन्ने है ना उसके लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पे तीन चार टाइप, चार टाइप्स में बांटा है, चार टाइप्स में बांटा है। पहला जो है वो है मेरे पास में अमोबॉइड, अमो ब्योइड, अमोबॉइड प्रोटोजोआ, अमोबॉइड प्रोटोजोआ। नाम से समझ में आ रहा है? कैसे होंगे? अमीबा जैसे, कैसे होंगे? अमीबा वाले, ठीक है ना? तो ये क्या करते हैं? अपनी क्या करते हैं? प्रीडेटर के थ्रू खाना लेते हैं। ये क्या करते हैं? प्रीडेटर के थ्रू खाना लेते हैं। तो जो फूड इसकी हैबिट होगी, इसकी जो खाना होगा वो कैसा होगा? प्रीडेटर्स के थ्रू होगा, ठीक है? अगर इसकी बात करूं जगह की, प्लेस कहाँ रहते हैं, तो हैबिटेट जो है इसके, हैबिटेट जो है
वो क्या मिलेंगे आपको, एक्वाटिक सोर्स मिलेंगे, एक्वाटिक सोर्स, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ठीक है, मॉइस्ट सॉल भी हो, देखो फ्रेश भी हो सकता है, मराइन सोर्स भी हो सकता है, अमीबा जो मिलता है ना अपने, वो पानी के अंदर मिलता है, तो पानी को ऐसा हो सकता है, साफ पानी हो सकता है, रुका हुआ भी हो सकता है, स्टेशनरी स्टेज वाला मराइन वाटर भी हो सकता है, और ये ना मॉइस्ट सॉइल में मिल जाते हैं, जो नमी वाली जगह होती है ना वो भी हो सकता है इनकी को। हाँ, कोई फिक्स शेप नहीं होती बेटा, इनकी बॉडी की कोई फिक्स शेप भी नहीं होती है, लेकिन जो ये इनका ना एक तरीका है जिससे इसको अपन अच्छे से पहचानते हैं कि ये लोकोमोशन जो करते हैं ना खाना पकड़ने के लिए, ठीक है, लोकोमोशन, MOTIL, लोकोमोशन जो करते हैं ना उसको लिए क्या करते हैं भाई, अपने प्रे की हंटिंग के लिए क्या करते हैं, सुडोपोडिया बना लेते हैं, सुडोपोडिया, पोडा का मतलब होता है लेग्स, सुडो का मतलब होता है फॉल्स, ये क्या बनाते हैं, सुडोपोडिया बनाते हैं, मतलब ये क्या करता है, जैसे एक अमीबा मान लो यहाँ पे है और इसे दिखा कि खाना है यहाँ पे है, तो ये क्या करेगा अपने ना ऐसे लेग्स बना लेगा, इसे बोलते हैं, इस जगह को क्या बोलेंगे, सुडोपोडिया, फिर ये पीछे वाले को उठा करके आगे लेके जाएगा ऐसे, ठीक है, मतलब आगे की तरफ मूवमेंट करने के लिए क्या करेगा, आगे वाले को चिपका लेगा, पीछे वाले से फिर उठा लेगा, फिर आगे बना लेगा, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसमें क्या बनते रहते हैं, नकली के पैर बनते रहते हैं, इन नकली के पैरों को अपन क्या कहते हैं, सुडोपोडिया कहते हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म के ऊपर पहुंच जाएगा इन सुडोपोडिया की वजह से, और वैक्यूल बना लेगा ऐसे, ठीक है, और थोड़ी देर बाद में अपन देखेंगे ना तो ये खाना क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा वैक्यूल के अंदर, दैट इज फूड वैक्यूल, क्या बोलते हैं उसे, फूड वैक्यूल, तो इस तरीके से जो मूवमेंट करते हैं वो अमीबा करते हैं, इस फाइलम का, इस ग्रुप का नाम का एग्जाम्पल हो गया अपना अमीबा, ठीक है ना, ग्रुप का नाम क्या हो गया अपने, अमीबा नाम हो गया, ठीक है ना, ध्यान रखना, देखो आईज ऑन देयर फिट, नहीं कोई फिट वेट आईज वाइज नहीं होती है, एक्चुअली आईज की जरूरत ही नहीं है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक सेल की ऑर्गेनिज्म है, और आईज बनाने के लिए, आईज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑर्गन चाहिए होते हैं, सेल्स चाहिए होती हैं, आई तो एक स्पेसिफिक ऑर्गन हो गया ना, अपनी आंख तब काम करती है जब हमारे पास में क्या होता है, ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, रेटिना है, ठीक है ना, लेंसेज है, तो एक से ज्यादा सेल है, एक से ज्यादा सेल है, ठीक है, इनके पास तो, ये तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो इनको जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो एंट अमीबा इसका एग्जाम्पल है, अमीबा इसका एग्जाम्पल है, बीमार बना सकते हैं, लूज मोशन वगैरह हो जाता है, इससे डायरिया वायरिया हो जाता है अपने को, ठीक है, तो ये पहला इसका ग्रुप का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है अपने पास में फ्लेजिलेट प्रोटोजोन, देखिए नहीं, दे कांट फील बट दे कैन शो रिस्पॉन्स, फील नहीं कर सकते लेकिन रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं, ठीक है, फ्लेजिलेट प्रोटोजोआ, ऐसे प्रोटोजोआ जिसमें क्या पाए जाते हैं, फ्लेजेला पाए जाते हैं, जैसे ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, ये कैसे हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, फ्री लिविंग तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ क्या हो सकते हैं, ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में रहने वाले भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग का तो मतलब कहीं भी घूमते फिरते हुए मिल जाए अपने को, ठीक है, और किसी ऑर्गेनिज्म में रहने का मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जिंदा रहते हो, ठीक है ना, और लोकोमोशन के लिए इनमें क्या पाया जाएगा, तो देखो फूड का हैबिट क्या हो गया, वही प्रीडेटर टाइप का हो गया, अगर अपन फूड की बात करें इनकी, वही प्रीडेटर टाइप का हो गया, तो फूड हैबिट इसकी कैसे होगी, वही प्रीडेटर टाइप की होगी, ठीक है, हैबिट है, अगर रहने की जगह की बात करें तो किसी लिविंग होस्ट में रह सकते हैं वरना एक्वाटिक सोर्सेस में पाए जाएंगे, ठीक है, अब बात करते हैं लोकोमोशन की इसकी, तो लोकोमोशन ये करते हैं किसकी वजह से, करते हैं उनमें क्या पाई जाती है बेटा, प्लेजेंट चामुक जैसी स्ट्रक्चर मैंने बताया थी ना, एक चामुक जैसी स्ट्रक्चर पाई गई जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, ये ट्रेवल कर लेते हैं, उसे पानी में क्या करते हैं, पुश करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, पानी में फिर पुश करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, इसका एग्जाम्पल बना सकते हैं ट्रिपोनोसोम, दिखाई देता है, ठीक है, तो ये जो चीज है ये क्या कहलाती है, फ्लैजेला कहलाती है, क्या कहलाती है, फ्लैजेला, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया यहाँ तक,
कौन सा वाला समझ में नहीं आया शाह? ये फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ या अनकोएड प्रोटोजोआ? देखिए उस शेप समझ किसी का बेटा, फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ की इनकी स्पेसिफिक शेप होती है, जैसे त्रिकोण समान है वो अपने को कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, यू शेप, आप सी शेप, इंग्लिश का जो लेटर है ना सी शेप, लेकिन है ना साइज भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। यूनिसेलुलर है, एक ही सेल के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो साइज है वो वेरी कर सकती है, लेकिन हाँ शेप फिक्स होती है। विशाल क्या नहीं समझ में आता? ओके कोई कोई ठीक है, तो ये प्लेजिला से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और जो ये ट्रिपेनोसोमा होता है ना, जिसका मैंने डायग्राम बना रखा है ट्रिपेनोसोमा, अगर वैसे तो अपने अंदर जा नहीं सकता, लेकिन कई बार क्या करते हैं अपन, जैसे मान लो जंगल वंगल की तरफ घूमने गए, गाँव में गए और पानी के अंदर ये है, अपन ने वो पानी पी लिया तो अपनी बॉडी के अंदर ये आ जाएगा, और अपनी बॉडी के अंदर अगर ये आ गया तो अपने को अंदर दे देगा, एक स्लीपिंग सिकनेस दे देता है, एक बीमारी है स्लीपिंग, जैसे खाने के बाद में अगर ये अपनी बॉडी में है और ये बॉडी में जाने के बाद मल्टीपल फॉर्म्स में ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने के बाद अपने को नींद ही नहीं आती, इसे बोलते हैं नींद की बीमारी होना, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक हो जाती है, पैथोजन है, पैथोजन को मार दो तो दिक्कत है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक और फोर्थ क्लास सीलिएटेड, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, ऐसे प्रोटोजोआ जिनमें क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। देखो फ्लैजेला तो एक या दो मिल सकते हैं, लेकिन एक से दो से ज्यादा हो तो वो क्या मिलेंगे अपने को, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, जैसे ये कुछ ऐसा दिखाई देता है ना, कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसके चारों तरफ क्या छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। ये एक साथ मूव करते हैं, कुछ नावें ऐसी भी होती है ना जिसमें एक से ज्यादा चलाने वाले होते हैं, एक रेस होती है ना जिसमें नाव बहुत सारे लोग मिलकर के चलाते हैं, बिल्कुल वैसी होती है। तो ये सारे सीलिए क्या होते हैं, एक साथ पीछे जाते हैं, फिर वापस एक साथ आगे आते हैं, फिर पीछे जाते हैं, फिर एक साथ आगे आते हैं। इस मूवमेंट से क्या होती है, सीलिया अपने आप को क्या कर देता है, मूव, सीलिएटेड मूवमेंट कर सकते हैं, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सीलिएटेड मूवमेंट कर सकते हैं। ये भी कैसे होते हैं, हाइड्रोस्कोपिक होते हैं, खाना अपना दूसरों से ही लेते हैं, ठीक है। इनके अंदर बस ये है कि बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं, अभी खाना के लिए तो उसका मूव कर देंगे, और अभी गट के अंदर, गट के अंदर के कैविटी का क्या करते हैं, दूध के अंदर लेते हैं, भी बुला लेते हैं, इस तरीके से पाए जाते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआ। एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल पैरामीशन का, कौन सा हो गया, पैरामीशन, और अब एक लास्ट बच गया है इसमें, इसका पांचवा स्पोरोजोनिस, स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ, ऐसे प्रोटोजोआ जो इन सब के मीट की कंडीशन होती है, लिविंग नॉन लिविंग बीच की स्टेट है, स्पोर्स के रूप में है, स्पोर्स से नाम पता होता है। देखो इसमें एमीबाइक मूवमेंट है, इसमें फ्लैजेला की मूवमेंट है, इसमें सीलिया की मूवमेंट है, लेकिन जो ये है ये स्पोर्स के रूप में रहते हैं, छोटे छोटे दानों के फॉर्म में, मतलब जैसे सीड होता है ना फॉर्म में रहते हैं, तो नॉन लिविंग स्टेट होती है, लेकिन जैसे ये अपने में एंटर करता है, किसी लिविंग बीच में एंटर करता है, होस्ट में एंटर करता है, तो वहां अपना खाना पीना क्या कर लेते हैं, चालू कर लेते हैं, ठीक है ना, अपना क्या कर लेते हैं, खाना पीना चालू कर लेते हैं। तो खाना पीना एक बार चालू हुआ तो फिर क्या करते हैं, व्यवहार बना सकते हैं, तो ये ह्यूमंस को क्या कर सकते हैं, व्यवहार बना सकते हैं। तो प्रोटोजोआ एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि हेटरोस्कोपिक है, और दोनों ही कंडीशन में अगर ये नुकसान पहुंचाते हैं, दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो प्रीडेटर वाली हो चाहे पैरासाइटिक हो, ठीक है, तो इन द बोथ कंडीशन दे कैन मेक यू इल, ठीक है ना, जिसमें क्या कर सकता है, ह्यूमन बॉडी को तो क्या हो गया, लॉसेस भी हो गया हमेशा, ठीक है। तो ये प्रोटोजोन्स तक का कंप्लीट हो गया, तो प्रोटोजोन कंप्लीट होते अपना क्या हो गया, प्रोटीज का फाइनल कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कोई डाउट है नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो।
स्पोरोजोन्स में क्या पूछना चाह रहे हैं सुनिए दोबारा से बताओ। अच्छा स्पोरोजोन जो प्रोटोजोआ है बेटा वो एक मिड की स्टेज है ठीक है, वो इनको मूवमेंट वगैरह की कोई नहीं, स्पोर में रहते हैं, दाने होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में, ऐसे के समझ सकते हैं, नॉन लिविंग बींग वाली स्टेज है। इस कंडीशन में क्या करते हैं किसी लिविंग बींग में चले जाते हैं खाने के साथ या किसी दूसरे होस्ट के साथ में ठीक है, या ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं, जैसे अपने को मच्छर क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है ना, मलेरिया, मलेरिया इसी का एग्जाम्पल है, मलेरिया इसी का एग्जाम्पल है ठीक है ना। उसके बाद में क्या करता है ये अपने को बीमार बना सकता है। चलो आगे का फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ठीक है, अगर इसमें फिर भी कोई डाउट रहता है तो उससे नेक्स्ट क्लास ओके गुड बाय। शेप नहीं होती है, कोई शेप नहीं होती, कोई फिक्स शेप नहीं है।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। विशाल कहता है, सुमित आपको केमिस्ट्री समझ आ गई थी क्या? क्यों विशाल, तुम्हें समझ में नहीं आई? तो लास्ट क्लास में हम लोग प्लैंक्स इक्वेशन और ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है उसकी हम लोग बात कर रहे थे, और मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अलावा थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है, ये टॉपिक्स मैंने तुम लोगों को बता दिए थे। लास्ट क्लास में हमने जो भी फॉर्मूलाज डिराइव किए थे, आज हम लोग उनके बेसिस पर न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, और जो फॉर्मूला यूज होने वाले हैं वो फॉर्मूला बच्चों मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिए हैं। एक तो E इक्वल टू एच न्यू हमने पढ़ा, एक E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा हमने पढ़ा, एक हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा सी अपॉन लेमडा, एक हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा वन अपॉन टाइम पीरियड। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला किया था जो टोटल एनर्जी है वो इक्वल आई थी वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये फॉर्मूला जो थे हम लोगों ने डिराइव कर लिए थे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इन फॉर्मूलाज के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और बच्चों, यूनिट कन्वर्जन मैंने लिखवा दिया था ना तुमको कि 1 पिको मीटर में कितने मीटर होते हैं, ये सब लिखवा दिया था ना आप लोगों को। ठीक है, लिखवा दिया था, तो चलो आप लोग आज क्वेश्चंस लिखो और क्वेश्चंस हम लोग परफॉर्म करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आज का। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, ऑफ अ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁵ Hz, हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁵ Hz, 5 Hz। फुल स्टॉप। इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 0.5 आर्मस्ट्रॉन्ग, 0.5 आर्मस्ट्रॉन्ग, देन कैलकुलेट इट्स एनर्जी। ठीक है, तो मैं यहां पर फॉर्मूला का नंबर डाल रहा हूं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। कौन से नंबर यूज करोगे, कौन से नंबर का फॉर्मूला तुम लोग यूज करोगे एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए? कौन से नंबर का फॉर्मूला यूज करने वाले हो? फर्स्ट नंबर का? पर फर्स्ट नंबर में तो लेमडा आई नहीं रहा बेटा, दीक्षिता, नंबर फर्स्ट में लेमडा आ नहीं रहा, सेकंड नंबर के फॉर्मूला में लेमडा आ रहा है ना, तो यहां तो मैं सेकंड नंबर का फॉर्मूला यूज में लेना है जो है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है, फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला यूज में ले सकते हो, आपके पास में न्यू है, सीधा सीधा आप क्या लगा सकते हैं, एच न्यू जो है फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा वीडियो क्लियर नहीं है? हाँ जी, और किसी का वीडियो एक बार कमेंट करके बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है?
अरे योगेश, यस सर का मतलब क्या है? वीडियो क्लियर है या नहीं है? अरे नो सर, क्लियर नहीं है। रुको एक सेकंड, मैं नेटवर्क को रिफ्रेश करता हूँ। वेट, क्लियर है अब? अभी देखो क्लियर होगा, अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, देखो इस क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों को एक बार तो इसकी हेल्प से एनर्जी निकालनी है, मतलब E is equal to h nu, ये फॉर्मूला लगाना है, और एक बार आपको लेमडा वेवलेंथ की हेल्प से एनर्जी निकालनी है, तो E is equal to hc upon लेमडा जो है वो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको दो बार यहाँ पर एनर्जी निकाल करके दिखानी है, एक बार तो फ्रीक्वेंसी को लेकर के, और एक बार आपको क्या करना है, एक बार वेवलेंथ को लेकर के एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ध्यान रहे बच्चों, जो यूनिट आपकी होनी चाहिए वो क्या है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट या तो सेकंड इनवर्स होनी चाहिए या फिर हर्ट्ज, क्वेश्चन में आप देख रहे हैं हर्ट्ज के अंदर ही है, और वेवलेंथ जो है उसकी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। पर आपको वेवलेंथ किस में दे रखी है, आंगस्ट्रॉन्ग के अंदर दे रखी है, तो आप इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। लास्ट क्लास में मैंने आपको रिलेशन लिखवा दिया था, क्या आया था रिलेशन, कि वन आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10^-10 meter। तो 0.5 आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब कितना हो गया, 0.5 × 10^-10, या आप इसको सीधा 5 × 10^-11 लिख सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आपकी किस में आ गई, मीटर में। चलो फटाफट से काम पर लग जाओ और अपने आंसर को कमेंट करो जल्दी से। पहले न्यू से जो तुमने निकाला उसके आंसर को कमेंट करना। मेरे पास में बच्चों कमेंट आया है 1 point, ठीक है, 10^30 नहीं दीक्षिता, 10^30 नहीं आना चाहिए, आंसर आपका 1.98 × 10^-28 1.98 × 10^-28 का ये आ रहा है आंसर।
एक बार चेक करो देखो वापस से। एक बार वापस चेक करो 1.9 × 10⁻²⁸। ठीक है प्रिया और वीरेंद्र, हाँ बेटा तुम्हारा तो आ जाएगा। प्रिया तुम्हारा थोड़ा राउंडिंग ऑफ में प्रॉब्लम आ रही है, तुम 1.98 से लिखोगे तो × 10⁻²⁸ हो जाएगा। फर्स्ट केस में आपके पास 1.98 × 10⁻²⁸ एनर्जी है, तो बच्चों ऐसा यूनिट क्या लगानी है, जूल। फर्स्ट केस में अगर आप फ्रीक्वेंसी से आंसर निकाल रहे हैं तो 1.98 × 10⁻²⁸ जूल आएगा। सेकंड केस में निकालो एनर्जी लैम्डा वेवलेंथ से, वेवलेंथ लैम्डा से एनर्जी निकालो भाई सेकंड केस में। सेकेंड केस की निकालो, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा से, लेमडा को हम लोगों ने मीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। निशा का कमेंट आया है 3.97 × 10⁻²⁹ जूल, एनर्जी की यूनिट है आपकी जूल। ठीक है ठीक है, निशा ने बच्चों कैलकुलेशन कर ली है, शायद कैलकुलेटर की हेल्प से की हो, बहुत जल्दी आंसर दे दिया। ये आ रहा है आपका 3.97 × 10⁻²⁹ जूल, 3.97 × 10⁻²⁹ जूल। चलो निशा कह रही है उसने अपने आप हाथ से किया है, फिर तो बहुत बढ़िया। वीरेंद्र का ठीक है, वीरेंद्र इस वैल्यू को जब तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे, तब तुम्हारा भी आंसर 3.97 × 10⁻²⁹ जूल हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2.13 ev। नहीं वीरेंद्र, एनर्जी सेम नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हें दो अलग केस दिए थे कि अगर पहले केस में फ्रीक्वेंसी इतनी हो तब एनर्जी कितनी होगी, और दूसरे केस में
अगर वेवलेंथ तुम्हारी इतनी हो जाए तब एनर्जी कितनी होगी। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2.13 ईवी। ईवी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फुल स्टॉप। अ फोटोन हैविंग वेवलेंथ ऑफ a photon having wavelength of 4 × 10⁻⁷ मीटर। strikes the metal, then calculate kinetic energy and velocity of photon, velocity of photon। हाँ जी, तो सबसे पहला इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए, कौन से नंबर का फॉर्मूला यूज होना चाहिए, कमेंट करके बताओ कौन से नंबर का फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है। नंबर 5, बिल्कुल सही, नंबर 5 अगर बच्चों आपको यूज करना है तो आपको ई टोटल निकालना पड़ेगा। ई टोटल का फॉर्मूला आप यहां यूज करना एच सी अपॉन लेमडा, क्योंकि आपको क्या पता है, लेमडा पता है, एच और सी कॉन्स्टेंट है, आपके पास में क्या आ जाएगा ई टोटल। E नॉट आपको पता है, ये E नॉट हो गया, फिर आप क्या निकाल लेंगे इसमें से सबट्रैक्ट करके काइनेटिक एनर्जी को निकाल देंगे। एक बार काइनेटिक एनर्जी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर, मास आप रख देना इलेक्ट्रॉन का जो कि कितना होता है 9.1 × 10⁻³, और वहां से आपको क्या निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी जो है वो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप E टोटल निकालो, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा से। चलो फटाफट से, सबसे पहले E टोटल निकालो, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा से, और बताओ कितना आ रहा आंसर। अच्छा बच्चों एक और चीज, ये E नॉट आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, आपको इसे जूल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर E टोटल जो आए उसे आप E नॉट के अंदर आप ईवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 ईवी इक्वल होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल के। 1 ईवी जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो इक्वल होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल के। तो आप जैसा चाहें वैसा काम कर सकते हैं, चाहें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लें, या फिर जो भी आपकी एनर्जी ई टोटल आती है, ई टोटल जूल में आएगी, उसे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें। आप सभी एक ही काम करेंगे, तो इस वजह से मैं आपको कमांड दे रहा हूं कि आप जो जूल में एनर्जी आए उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना। जूल के अंदर जो भी एनर्जी आए उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेना। और ईवी में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपके पास एनर्जी आएगी उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 × 10⁻¹⁹ से। फटाफट से ई टोटल कैलकुलेट करके बताओ ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितनी आ रही है, या चाहो तो जूल में भी कमेंट कर सकते हो, पर हमें फाइनल आंसर ईवी के अंदर ही रखना है।
फाइनल आंसर तुम्हें ईवी के अंदर ही रखना है। आप चाहें तो आंसर अपना जूल वाला भी कमेंट कर सकते हैं ताकि एक बार चेक हो जाएगा ईवी में कन्वर्ट करने से पहले कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं है। ये टोटल मैंने आपको बताया एच सी अपॉन लेमडा से सॉल्व करना है। एच की वैल्यू है 6.626 × 10⁻³। सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ और अपॉन में यहाँ लैम्डा है। लैम्डा क्वेश्चन में आपको गिवन है जिसकी यूनिट मीटर में ही है तो आप एज इट इज 4 × 10⁻⁷ रख देंगे। किसी का आंसर आया हो जूल में या ईवी में तो अपने आंसर को कमेंट करें। सुमित का कमेंट मेरे पास आया है 5.57 × 10⁻¹। सुमित तुम्हारा बेटा आंसर थोड़ा गलत है बेटा। और किसी का वीरेंद्र का आया है। हाँ वीरेंद्र तुम्हारा आंसर बेटा सही है। बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में वीरेंद्र का आंसर देख सकते हैं। जून में वीरेंद्र ने आंसर निकाला है 4.96 × 10⁻¹⁹। ई टोटल जून में निकाली है 4.96 × 10⁻¹⁹ जून। ये सही है वीरेंद्र। अब इसको ईवी में कन्वर्ट कर दो, इसे ईवी में कन्वर्ट कर दो। ईवी में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻¹⁹ जो है डिवाइड कर देना 4.96 को, 4.96 × 10⁻¹⁹ को डिवाइड कर देना 1.6 × 10⁻¹⁹ से। सीधा सीधा जो 10⁻¹⁹ है वो तो कट जाएगा तो 4.96 / 1.6 इसको डिवाइड करके आप ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपना आंसर निकाल सकते हैं। और विशाल बेटा जो तुम कमेंट कर रहे हो आंसर लास्ट में डिवाइडेड बाय 4, मुद्दा तो यही है ना, यही तो मैंने सॉल्व करने के लिए कहा है, इसको सॉल्व करो। ये डिवाइडेड बाय 4 ऐसा तुम लोग एग्जाम में करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे। तो दीक्षिता ने आप लोगों के लिए ईवी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है और सही आंसर है दीक्षिता 3.1 ईवी। तो ई टोटल आपके पास में आ गया है 3.1 ईवी। अब ई नॉट आपको पता है 2.13 ईवी है। इस फॉर्मूला में पुट कर दो और आपके पास में क्या आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। बताओ जरा कितनी आ रही है काइनेटिक एनर्जी ईवी के अंदर। काइनेटिक एनर्जी ईवी में कितनी आ रही है, सब्ट्रैक्टी तो करना है। काइनेटिक एनर्जी आपके पास में आनी चाहिए 0.97 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन के लास्ट हिस्से की अगर हम लोग बात करें, जो कि हमसे कह रहा था कि भाई काइनेटिक एनर्जी पता लग जाए तो फिर अब तुम वेलोसिटी जो है उसे भी कैलकुलेट कर लेना। अब वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हाफ
एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको काइनेटिक एनर्जी की अगर आप यहाँ मास की यूनिट किलोग्राम रखेंगे, वेलोसिटी आप सेकंड्स मीटर पर सेकंड में निकालना चाहते हैं तो आपकी एनर्जी जूल के अंदर होनी चाहिए। तो अब आपको इस ईवी को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो यहां से वी स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 0.97 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। तो यहां से अब तुम्हें बच्चों क्या करनी है, आगे कैलकुलेशन करनी है, वी स्क्वायर सॉल्व करना है और लास्ट में जो आंसर आया उसका स्क्वायर रूट निकाल करके आपको वेलोसिटी निकाल लेनी है। चलिए काम पे लगे फटाफट से। विशाल ने एक कमेंट किया है अपने आंसर को लेकर के, ये विशाल वी स्क्वायर की वैल्यू है या फिर वी की है? ये वी स्क्वायर की है या वी की है? नहीं, वी की वैल्यू गलत आ रही तुम्हारी। और दीक्षिता का कमेंट आया है ये रूट वगैरह तो सॉल्व करके ही बताना है। सुमित का कमेंट है 3.41 इंटू ना, गलत आंसर तुम लोग लिख लो, चेक करना कैलकुलेटर से करके देखना इस बार।
वेलोसिटी का आंसर लिख लो बच्चों, आंसर तुम्हारा आना चाहिए वेलोसिटी का 0.58 इंटू 10 की पावर 6, 0.58 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, 0.58 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये तुम्हारा आंसर जो है आना चाहिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों। When radiation of 6800 angstrom, when radiation of 6800 angstrom radiation of 6800 angstrom wavelength strike a metal surface comma the electrons with zero velocity are emitted EMITTED are emitted, full stop. Calculate threshold frequency and work function. Calculate threshold frequency and work function. हाँ जी सर, तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको दे दिया कि वेवलेंथ इतनी है और आपको बताया कि वेलोसिटी जो है वो जीरो है। अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? अगर वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? विशाल का आंसर है मिनिमम और बाकी बच्चों का आंसर है जीरो। तो बेटा विशाल तुम देखो तुम्हारी गाड़ी सबसे अलग क्यों चल रही है। तो अगर बच्चों काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ वर्क फंक्शन किसके इक्वल आएगा? ई टोटल के इक्वल आएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो वर्क फंक्शन किसके इक्वल आएगा? ई टोटल के इक्वल आएगा। तो अगर अपने पास में लैम्डा दे रखा है तो तुम यहां E total equal to क्या रख रहे हो? E not रख रहे हो। तो H new किसके equal आएगा? H new not के equal आएगा। H C ने का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो तुम frequency निकालोगे वही फ्रीक्वेंसी किसकी क्या होगी? तुम्हारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वो भी तुम एनर्जी निकालोगे वो क्या हो जाएगी? तुम्हारी थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन। आपको समझ में आया सॉल्यूशन के नहीं आया? सॉल्यूशन समझ में आया या फिर नहीं आया? भाई काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई ना, तो इसका मतलब जो तुम्हारी टोटल एनर्जी है वही तुम्हारी क्या है? टोटल एनर्जी। तो इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा से तुम जो एनर्जी निकालोगे वही किसकी वैल्यू है? थ्रेशोल्ड एनर्जी की। और एक बार तुम्हें थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू पता लग जाए तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला
एक ये भी हो जाएगा E नॉट इक्वल टू H न्यू नॉट। E नॉट तुमने पता कर लिया, H तुम्हें पता ही है, तुम लोग न्यू नॉट जो है उसे कैलकुलेट कर लोगे। करो पहले E नॉट बताओ कितनी आ रही है। अरे भाई सॉल्यूशन समझ में आ गया कि नहीं आया, कमेंट तो कर दो यस और नो। क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया नहीं आया? ठीक है चलो फटाफट से काम पे लगो। ई टोटल या ई नॉट एक ही बात है, यहां पर पता करो क्या आ रही है तुम्हारी थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन। योगेश को समझ में नहीं आया। योगेश बेटा तुम बार बार तो ऑफलाइन हो रहे हो फिर ऑनलाइन हो रहे हो, लग रहा है सब कुछ। अरे भाई वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो जो E टोटल है वो ही किसके इक्वल हो जाएगी, वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाएगी। तो E टोटल कैलकुलेट कर लो, वही वर्क फंक्शन है। E टोटल का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच सी एफ और लैम्डा लगेगा यहाँ। और जब एक बार तुम्हारे पास में E टोटल आ जाए जो कि एक्चुअल में E नॉट है, तो E नॉट का फॉर्मूला लगा देना E नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट, यहां से तुम्हारे पास में न्यू नॉट आ जाएगा। बताओ भाई जल्दी से। एनर्जी कितनी आ रही है, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन कितना आ रहा है, जल्दी कमेंट करके बताओ। विशाल का कमेंट आया है, विशाल तुम्हारी गाड़ी, विशाल पता नहीं कहाँ चला रहे हो बेटा, एकदम इतना गलत। अरे एच सी अपॉन लेमडा से निकालना है, एच की वैल्यू 6.625 626 इंटू 10 की पावर -34 इन मल्टीप्लाई बाय सी, सी की वैल्यू है 3 × 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय लेमडा जो है, लेमडा एंगस्ट्रॉम में गिवन है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना भूल गए क्या? मीटर में कन्वर्ट करने के लिए × 10 की पावर -10 और करना पड़ेगा। निशा का कमेंट आया है, निशा डिलीट कर दिया तुमने बेटा कमेंट का, जो स्टार्टिंग मैंने पढ़ा वो सही था वैल्यू। दीक्षिता स्टार्टिंग वैल्यू तो ठीक है पर बेटा ये 10 की पावर 16 ये गलत आ रहा है, 10 की पावर चेक करो अपनी, मीटर कन्वर्ट किया कि नहीं किया वो भी चेक कर लो। आपका
जो वर्क फंक्शन है वो आना चाहिए 2.92 इंटू 10^-19 जूल। आपका वर्क फंक्शन आना चाहिए 2.92 इंटू 10^-19 जूल। हानिशा तुम्हारा बेटा आंसर ठीक है, तुम्हारा ठीक है, जब तुम इसी को 2.9 पर बढ़ा दोगी तो इंटू 10^-19 हो जाएगा। तो बच्चों मैंने तुम्हें वर्क फंक्शन बता दिया है 2.92 इंटू 10^-19 जूल। अब वर्क फंक्शन तुम्हारे पास में है, अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए ई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट। ई नॉट तुम्हें पता है, एच की वैल्यू भी तुम्हें पता है, न्यू नॉट निकालो जल्दी से, टाइम हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बची है और मुझे एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी लिखवाना है। तो 2 मिनट देता हूं, 2 मिनट के अंदर जल्दी से कैलकुलेशन करके दिखाओ। हाँ वीरेंद्र सही है तुम्हारा आंसर, फटाफट से मुझे न्यू नॉट कैलकुलेट करके बताइए। बच्चों ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी लिखवाना है तुम्हें, 1 मिनट और, उसके बाद में मैं आपको आंसर लिखवा दूंगा। चलो बच्चों आंसर लिखो, आपका जो न्यू नॉट है वो आना चाहिए 4.41 इंटू 10^14। देखिए स्टार्टिंग वैल्यू ठीक है, 10^ में गड़बड़ हो रही है, आपका आना चाहिए 4.41 इंटू 10^14 सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। 4.41 इंटू 10^14 हर्ट्ज, ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए, चेक करना कहां गलती हो रही है। चलो एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए, क्वेश्चन लिखो बच्चों, द इजेक्शन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्वर मेटल, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्वर मेटल इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्वर मेटल इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द वोल्टेज ऑफ 0.35 वोल्ट। बच्चों इसे वोल्ट बोलो या इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलो बात बराबर है, 0.35 वोल्ट। व्हेन द रेडिएशन ऑफ 256.7 नैनोमीटर इज यूज्ड
स्टॉप कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर मेटल, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर मेटल, ऑफ सिल्वर मेटल। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं अगर आपसे होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके सॉल्यूशन को आपसे डिस्कस कर लेंगे। चलिए आपसे मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इस क्वेश्चन को आप लोग परफॉर्म करके रखिएगा।